नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से ऐसे इफेक्ट अपने फोटो पर अपने मोबाइल के द्वारा दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाना है और एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाके आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कलर स्प्लैश इफेक्ट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया है और सर्च करने के बाद मैंने इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको भी इसी ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं ओपन करके बता लेता हूँ आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हमें इसके अंदर सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है स्टार्ट। हमें यहाँ पे क्लिक करके अपने उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस पे हम इफेक्ट देना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कोई फोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये फोटो मुझे यहाँ पे इफेक्ट ऐसा करना है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने ऐप के अंदर चले जाते हैं। अब हमें जो अपना फोटो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट शो हो रहा है, यहाँ पे हमें जिसको भी रंगीन करना है उसके ऊपर हमें यहाँ पे इरेज करना है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ऐसे इरेज करना है। इरेज करने से वो बाल यहाँ पे रंगीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जिस बाल को रंगीन करना है उसके ऊपर आपको इरेज करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा इरेज करके बता लेता हूँ आपको ये इफेक्ट किस प्रकार से शो होता है। तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्रॉप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो भाग मुझे यहाँ पे रंगीन करना था उसको मैं रंगीन कर लिया है और जिसको मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना था वो मैंने इरेज के द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है अप्लाई, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के इफेक्ट चाहिए तो इफेक्ट भी ले सकते हैं और यदि आपको कुछ और भी टूल चाहिए तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफ़ी शानदार लग रहा है। इसी प्रकार से आपको जो भी यहाँ से इफेक्ट चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ से नॉर्मली रहने देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। आपको जिस भी टूल का यहाँ से उपयोग करना है वहाँ से आप कर सकते हो, फिर आपको डन पे क्लिक करना है जिससे कि ये सेव हो जाएगा। यदि आप इसके अंदर कोई टैक्स वगैरह कोई ड्रो वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। यदि नहीं करना चाहते तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे डन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है जिससे कि आपका ये फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने अनुसार कोई भी फोटो में इफेक्ट लगा सकते हो तथा आप इसका उपयोग कर सकते हो अपने मोबाइल के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।